नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज सचिन सौरभ हियर फ्रॉम अदिस अबाबा। आई वेलकम यू ऑल इन दिस इनक्रेडिबली कॉन्सेप्चुअल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स एस्पिरेशन ट्रिगर। माय डियर ब्रदर्स, इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म ओवर हियर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर नियर एंड डियर वंस। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कट ऑन टू द वीडियो। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ फेब्रुवरी 2020. Let me add to your information that already I have covered the current affairs of month of January 2020 in the four different lectures. If you haven't seen yet, so please go back to my playlist and watch all these videos. I am sure that it is gonna be worth watching for you. अब आज का जो मैं फरवरी का करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीति प्रिया मरांडी से। और आज का जो मेरा सेक्शन है, ये अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड है। जैसा कि मैंने पहले भी क्लासेस में टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स को, आर्बिट्री में नहीं लिखता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। तो मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स और सारे अवार्ड्स को एक साथ कलेक्ट किया है, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहला जो है, वो है प्रीति प्रिया मरांडी। तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। तो इनके लिए क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रांची के ही प्रीति प्रिया मरांडी को राज्यसभा में संथाली अनुवादक यानी संथाली भाषा के इंटरप्रेटर के रूप में यूज किया है, यानी इनको अपॉइंटमेंट किया है। और ये इससे पहले भी इन्होंने सरोजनी हेम्ब्रम जो कि राज्यसभा की एमपी हैं, उनका स्पीच को संथाली से हिंदी में अनुवाद किया था, यानी ताकि लोग संथाली भाषा में भी भाषण दे पाए राज्यसभा में और उनका हिंदी ट्रांसलेशन हो सके ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाए। तो प्रीति प्रिया मरांडी जो है संथाली भाषा की अनुवादक है, कहाँ पे, तो राज्यसभा में, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा डेवलपमेंट जो है प्रमोद अग्रवाल। सबसे पहले प्रमोद अग्रवाल है कौन, ये 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर से। तो इनको नया चेयरमैन बनाया गया किसका, कोल इंडिया लिमिटेड का। तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो नया चेयरमैन है वो बनाया गया प्रमोद अग्रवाल को, और ये सेकेंड ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो कोल इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके पहले कोल इंडिया के चेयरमैन कौन थे, तो अनिल कुमार झा थे। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, दैट इज ऑफ राजीव रंजन। अब राजीव रंजन कौन है, सो राज्य के नए एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता हैं, कौन, राजीव रंजन। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, ये फॉर्मर चेयरमैन थे स्टेट बार काउंसिल के और सीनियर एडवोकेट हैं झारखंड हाई कोर्ट के। तो ये जो एडवोकेट जनरल का पोस्ट है, इसका काम क्या होता है, बेसिकली इनके बारे में बता दूं कि एडवोकेट जनरल जो होता है ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है, जो झारखंड गवर्नमेंट को सभी लीगल मैटर में एडवाइस करता है। अब मैं बात करूं दूसरे डेवलपमेंट की, राहुल पुरवार। सो राहुल पुरवार जो कि आईएएस ऑफिसर है, इनको बनाया गया न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। किनको बनाया गया, राहुल पुरवार को बनाया गया है। इससे पहले कौन थे, विनय कुमार थे, और विनय कुमार चौबे थे। विनय कुमार चौबे को अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रिंसिपल मुख्य सचिव बनाया गया है, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है सीएम हेमंत सोरेन का, और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है वो राहुल पुरवार को बनाया गया है। अब मैं बात करूं डॉक्टर नफीस अख्तर, सो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, नफीस अख्तर को बनाया गया है। और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये 2000 एग्जिस्टेंस में आया था, ईयर 2000 में, बट इनको फुल मेंबरशिप भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से मिला था 2003 में। तो याद रखेंगे, नफीस चेयरमैन इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन। अब मैं बात करूं अभिषेक प्रसाद पिंटू को, सो अभिषेक प्रसाद पिंटू को प्रेस एडवाइजर यानी प्रेस सलाहकार बनाया गया है सीएम हेमंत सोरेन का। क्यों बने, ये पहले कौन थे, सो ही वाज द फॉर्मर स्पोक पर्सन ऑफ जेएमएम, झारखंड के प्रवक्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता भी ये रह चुके हैं। अब है नेक्स्ट डॉक्टर अर्जुन चौधरी। तो इससे पहले मैं जानूं, भारतीय जनता मजदूर यूनियन, ये मजदूरों का एक यूनियन है जो पूरे भारतवर्ष में है। इनके यूनिट अलग अलग स्टेट में है, झारखंड में है, बिहार में, हर एक स्टेट में है। तो जो झारखंड का यूनिट है उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो हैं डॉक्टर अर्जुन चौधरी। ये रांची के जाने माने राजनीतिज्ञ भी हैं और फेमस नेता भी हैं। अब दीपक प्रकाश के बारे में बात करूं, तो दीपक प्रकाश को ही हैज बीन मेड द न्यू झारखंड, नए झारखंड भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बनाया गया है वो थे दीपक प्रकाश। इससे पहले थे लक्ष्मण गेलुआ, इलेक्शन के हार की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो नया जो अध्यक्ष बनाया गया वो है दीपक प्रकाश को। इससे पहले ये झारखंड बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे, अब इनको प्रमोट करके बीजेपी का चीफ बना दिया गया है। मधु मंसूरी हंसमुख, ये मधु मंसूरी हंसमुख हो और शशिधर आचार्य, गुरु शशिधर आचार्य, इन दोनों के बारे में बता दूं, इन दोनों को
पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2020 26 जनवरी को, 23 रिपब्लिक डे के दिन में, कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, दोनों झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो मधु मंसूरी दोनों की डिटेल क्लासेस मैंने जनवरी के करंट अफेयर्स में है, आप नहीं देखे तो आप प्लीज जाके देख लें। उसके बाद है दे हैव बीन मेड कस्टोडियन ऑफ द झारखंड कल्चर आर्टिस्ट एसोसिएशन। अब झारखंड कल्चर आर्टिस्ट एसोसिएशन हिंदी में भी यही नाम है, इनका जो संघ है उनके संरक्षक के रूप में मधु मंसूरी हसमुख को नियुक्त किया गया है। अब मैं ये अपॉइंटमेंट की 9 अपॉइंटमेंट्स दैट वेर मेड इन द मंथ ऑफ फरवरी आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। अब मैं अवार्ड्स के बारे में बात करता हूं। तो मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल, मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल का जो अवार्ड है ये मिला है झारखंड की रांची के रहने वाली परिधि प्रकाश को। ये डीएवी एएल की छात्रा रह चुकी हैं और ये प्रेजेंटली बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था ग्लोबल इंडिया, याद रखेंगे आप, ग्लोबल ग्लोबल इंडिया इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन, इनके द्वारा ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था जिसमें कि मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल का खिताब रांची के रहने वाली परिधि प्रकाश को दिया गया। मिस इंडिया यूनाइटेड नेशंस, वेरी फेमस क्वेश्चंस ये आ सकता है। ये एंजल रांची की ही एंजल मरीना तिर्की को दिया गया है। एंजल मरीना तिर्की जो है ये इनका मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सी इज वेरी फेमस मॉडल, बिलोंग्स टू रांची। इनके बारे में एक और बात बता दूं, सी इज द क्वेश्चंस आ सकता है कभी कभी। सी वॉज ऑल्सो अवार्डेड एज मिस खादी, इनको मिस खादी का भी अवार्ड मिल चुका है। सी इज ऑल्सो अवार्डेड एज मिस नॉर्थ ईस्ट, इनको मिस नॉर्थ ईस्ट का भी अवार्ड मिल चुका है। और बेसिकली ये संत जेवियर कॉलेज जो रांची की, वहां की स्टूडेंट है, वहां की स्टूडेंट रह चुकी है संत जेवियर कॉलेज की। अब फिल्म फेयर की बात करें तो इसमें एक कैटेगरी होता है बेस्ट फीमेल सिंगर का, तो झारखंड की रहने वाली, जमशेदपुर के रहने वाली शिल्पा राव को बेस्ट फीमेल सिंगर कैटेगरी में बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। अब मैं बात करता हूँ वीमेन लीडरशिप इन्फ्लुएंसर, जो वीमेन लीडरशिप इन्फ्लुएंसर का अवार्ड है ये झारखंड की तानिया शौर्या को दिया गया है। ये अवार्ड कहाँ हुआ था, ये अवार्ड जो दिया गया था इनको मुंबई में दिया गया था, एक 5-स्टार होटल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन से रिलेटेड जो भी थे उनको अवार्ड दिया गया था। इनको क्यों अवार्ड दिया गया है, इनको सॉफ्टवेयर इनोवेशन में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया। और आज के समय में सी इज वर्किंग एस्पिरेंट इन बैंगलोर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब मैं बात करता हूँ नेशनल ग्लोरी अवार्ड यानी राष्ट्र महिमा सम्मान, ये किसे दिया गया है, ये झारखंड के प्रभाकर तिर्की को दिया गया है। ये कौन है, एक ही इज व्हाई दिस अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड ऑन हिम, तो सोशल सर्विस के लिए यानी सामाजिक सेवा के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए और सद्भावना के लिए। तो ये झारखंड पार्टी से भी संबंधित थे, सामाजिक सेवा इन्होंने काम किया, गुडविल जेस्चर अपने इधर वेस्ट सिंहभूम जो कोल्हान इलाका में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। और इनको ये सम्मान कहाँ मिला था, ये मिला था नागपुर में, फेलिसिटेटेड इन नागपुर इनके द्वारा, तो बाय महाराष्ट्र स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर है नानाजी पटोले, इनके द्वारा नेशनल ग्लोरी अवार्ड रांची के मीन्स झारखंड के प्रभाकर तिर्की को दिया गया था। इनका कोल्हान क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है सामाजिक सर्विस में, पॉलिटिकल वर्क्स में, गुडविल में। और एक बार और फैक्ट है, जो राष्ट्रीय ईसाई संघ है नेशनल क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है उनके ये प्रेसिडेंट भी है। अब मैं बात करूं कैमूर रत्न अवार्ड, इस अवार्ड के बात करने के पहले मैंने बताया था आपको नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो आई थी, मैंने लास्ट क्लास में 2018 में यह रिपोर्ट आई थी और मैंने लास्ट क्लास में सारे रिपोर्ट को एक साथ डिस्कस किया, ग्रीन पीस रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट्स आप जाके मेरे वीडियो जनवरी के करंट अफेयर्स में देख लेंगे। वहां पे मैंने बताया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ध्यान रखेंगे दो चीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फिर सेडिशन हो, इन दोनों में पूरे झारखंड में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्राइम रेट झारखंड में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेडिशन इन दोनों में सबसे, इन दोनों के कैटेगरी में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्राइम रेट झारखंड में। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक बैद्यनाथ कुमार के नाम के व्यक्ति ने एक बहुत ही कैंपेन चलाया ताकि झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके, उसी में उल्लेखनीय कार्य के लिए इनको कैमूर रत्न का अवार्ड दिया गया। ये जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार के भभुआ डिस्ट्रिक्ट में कैमूर नाम के जगह में किया गया था, जहां के खनन एवं भूतत्व विभाग मंत्री ब्रिज किशोर विंद्रजीत जो थे, जो कि पिछड़े जनजाति मतलब बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, उन्होंने ये अवार्ड दिया था किसे, बैद्यनाथ कुमार को। कहां पे मिला था, बिहार में भभुआ डिस्ट्रिक्ट मिला था, याद रखेंगे। अब मैं बात करूं एक्सप्रेस ई गवर्नेंस रिकॉग्निशन अवार्ड। ई गवर्नेंस मीन्स गवर्नेंस विद द टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस विद द आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस क्षेत्र में एक सभा आयोजित की गई थी जिसका नाम था टेक्नोलॉजी सभा, ये कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, भुवनेश्वर में। इसमें अवार्ड की एक कैटेगरी थी इंटरप्राइज एप्लीकेशंस कैटेगरी, जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के लिए थी, उसमें झारखंड पुलिस को नंबर 1 यानी विनर का अवार्ड दिया गया। आपको पता ही होगा कि झारखंड पुलिस में
अपने बहुत सारे प्रोग्राम ऐप लॉन्च किए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कौन सी ऐप है मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, आप इस क्लास में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है जिसमें कि बटन को, हेल्प बटन को क्लिक करते ही ये मैसेज आपके रिलेटिव्स को, तीन रिलेटिव्स को और झारखंड पुलिस को चला जाएगा ताकि महिलाएं सुरक्षित हो सके। कभी भी आप ऐसा ऐसे संकट में हो तो महिलाओं इस ऐप का यूज कर सकते हैं। कौन सा ऐप है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं बात करूं इंडियन एक्सेलेंस अवार्ड की, तो इंडियन एक्सेलेंट अवार्ड और लीडिंग एजुकेशनिस्ट अवार्ड, ये दोनों अवार्ड दिए गए हैं डॉक्टर आलोक सहाय को दिए गए हैं। ये कहाँ से हैं? रांची से बिलोंग करते हैं। और ये हैं कौन एज प्रेजेंट? तो ये डायरेक्टर ऑफ जो रांची में केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र है, जो केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र रांची में है, इन्हीं के जो डायरेक्टर हैं वो है आलोक सहाय। इनको इनके टीचिंग के लिए और रिसर्च के लिए इस फील्ड में इंडियन एक्सेलेंस अवार्ड और लीडिंग एजुकेशनिस्ट अवार्ड दिया गया है। अब मैं बात करता हूं विलियम डब्ल्यू पामले यंग ऑथर अचीवमेंट अवार्ड। सबसे पहले ये अमेरिका के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो इन्हीं के सम्मान में एक अवार्ड चलाया गया, अवार्ड दिया गया, उन्हीं का नाम था विलियम डब्ल्यू पामले। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है मतलब कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशेष स्पेशल रिसर्च करने के लिए यंग अचीवर को जाता है, जो युवा रिसर्चर होते हैं, युवा अनुसंधान करते हैं उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। और इनके लिए जनरल भी है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। तो डॉक्टर अर्नव ने अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में अपना एक जनरल पेपर पब्लिश किया था, अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। उसका टॉपिक था कार्डियोवास्कुलर रिसर्च को लेके, जिसमें इन्होंने बताया था हार्ट अटैक के टाइमिंग के बारे में, उसको डिटर करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई थी कि कब आ सकता है, प्रोबेबिलिटी बताई थी। तो इसके उल्लेखनीय कार्य के लिए डॉक्टर अर्नव जो कि रांची से बिलोंग करते हैं, इनको विलियम डब्ल्यू पामले यंग ऑथर अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। अब मैं बात करूं साहित्य के बारे में, तो 25वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान ये रांची के ही झारखंड के युवा आलोचक राहुल सिंह को दिया गया था। फिफ्थ सैल प्रिया अवार्ड्स, ये जो सैल प्रिया थी ये झारखंड की कवित्री थी जिनका निधन 1999 का निधन कैंसर से हो गया था। सी वॉज वेरी फेमस पोइट ऑफ झारखंड, बहुत ही पोइटेस ऑफ झारखंड, और 1994 में कैंसर की वजह से इनका देहांत हो गया था। उन्हीं के सम्मान में जो सैल प्रिया सम्मान दिया जाना स्टार्ट किया गया। और वंदना टेटे को, जो इनको आदिवासी लिटरेट के लिए, आदिवासी कल्चर के लिए, आदिवासी लेखिका लेखन के लिए, इनको जो कि रांची से बिलोंग करते हैं, उनको ये आदिवासी अस्मिताओं के सम्मान को रक्षा करने के लिए इन्होंने बहुत ही आर्टिकल लिखे उन्हीं के लिए, और बहुत ही कथाएं लिखी, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, तो उन्हीं के लिए इनको ये सैल प्रिया सम्मान दिया गया है। सी इज वेरी फेमस ट्राइबल पोएटेस। अब मैं वेणुगोपाल स्मृति सम्मान की बात करूं तो ये मिला है जेसिंता करकट्टा को। जैसे ध्यान रखेंगे जेसिंता करकट्टा वेस्ट सिंहभूम से बिलोंग करती है, और इनको इससे पहले भी वॉइस, इंडिजिनस वॉइस ऑफ एशिया IVA का अवार्ड भी मिल चुका है। इंडिजिनस वॉइस ऑफ एशिया का अवार्ड जेसिंता करकट्टा को थाईलैंड में मिला था, ये चीज ध्यान रखेंगे। एंड सी बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, तो समटाइम दिस क्वेश्चन मे कम। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी जड़ों की जमीन, आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िए, इट इज वेरी गुड। अब है साहित्य सेवा अवार्ड। साहित्य सेवा अवार्ड जो है मृत्युंजय कुमार सिंह को मिला है। इनको ये अवार्ड मिला है, हिंदी को इन्होंने नॉट ओनली इन इंडिया इवन इन साउथ एशियन कंट्री ही हैव प्रमोटेड हिंदी लाइक एनीथिंग एल्स, उन्होंने बहुत ही प्रमोट किया है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाके, तो उसी के लिए इनको ये साहित्य सेवा अवार्ड दिया गया है। अब मैं रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान के बारे में बात करता हूँ। ये जो अवार्ड मिला है झारखंड की अनीता रश्मि को मिला, जो कि रांची के रहने वाली है। इनको अवार्ड किनके द्वारा दिया गया? सर्वभाषा ट्रस्ट है, ऑल लैंग्वेज ट्रस्ट न्यू दिल्ली में है, जिनके द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्हीं प्रोग्राम में अनीता रश्मि जो कि रांची के रहने वाली है, उनको रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोबल है यानी उपन्यास है पुकारती जमी। अब मैं बात करूं कुड़ुक ग्रंथ की, बहुत ही ये डिस्प्यूटेड ग्रंथ है, विवादित है। इनको लिख रहे हैं अल्बेनिस ए मिंज, जो कि पेशे से एडवोकेट भी रह चुके हैं। एक्चुअली ये बाइबल का अनुवाद कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज ट्राइबल लैंग्वेजेस में, तो बहुत सारे आदिवासियों का कहना है कि उनके साथ ये छेड़छाड़ हो रहा है, ये मतलब उनकी उनकी कल्चर के जो केंद्र करना, मैं बता दूं केंद्र शरणा समिति के जो अध्यक्ष हैं बबलू मुंडा, उन्होंने इसके अगेंस्ट में अपना विरोध प्रकट किया है। ये बता रहे हैं कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ गलत किया जा रहा है, तो ये बुक बहुत ही विवादित है, तो मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अब साहित्य की बात करें और माननीय जयशंकर प्रसाद कामैनी के रचयिता की बात ही ना करें तो इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल। सो द सेकेंड जयशंकर प्रसाद अवार्ड हैज बीन गिवन टू डॉक्टर कुमार संजय फॉर हिंदी एंड डॉक्टर दीन बंधु महतो फॉर रीजनल लैंग्वेजेस।
इस दिन अवार्ड दिया गया है, ये डॉक्टर कुमार संजय और डॉक्टर दीन बंधु महतो को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर दीन बंधु महतो को क्षेत्रीय भाषाओं के लिए और डॉक्टर कुमार संजय को हिंदी के लिए दिया गया है। अब मैं बात करूं प्रफुल्ल अवार्ड के बारे में, तो प्रफुल्ल अवार्ड जो है, प्रफुल्ल आर्ट फाउंडेशन है एक, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है ताकि वो आर्ट के क्षेत्र में, प्रफुल्ल धानकर आर्ट फाउंडेशन है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ आर्टिस्ट। तो ये अवार्ड दिया गया है महावीर नायक को और धर्मेंद्र प्रवाही को। महावीर नायक और धर्मेंद्र प्रवाही ये जाने माने नागपुरी के कथाकार हैं। और मैं महावीर नायक के बारे में बता दूं, जो भिनसिरिया राग है, नागपुरी का जो भिनसिरिया राग है, इन्होंने ही बनाया था, महावीर नायक ने। अब मैं झारखंड रत्न के बारे में बात करूं तो फरजाना खान, हु इज फरजाना खान, सीजन गोल्ड मेडलिस्ट इन 34th नेशनल गेम, जो 34th नेशनल गेम जो रांची में हुआ था उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थी और सी बिलोंग्स टू कुमार दुबी धनबाद। और किस गेम में मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम इट मे बी आस्क्ड कि लॉन बॉल जो गेम है उसमें इन्होंने इनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला था। और ये अवार्ड कहाँ मिला इनको, दिल्ली में मिला। दिल्ली में एक लोक सेवा समिति ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा झारखंड रत्न का सम्मान कुमार धोबी के रहने वाली फरजाना खान को मिला है, जिन्होंने देश के लिए, सॉरी मतलब झारखंड के लिए एक गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ पे, 34th नेशनल गेम में। किस गेम में, तो लॉन बॉल प्लेयर में। अब डॉक्टर मयंक मुरारी, डॉक्टर मयंक मुरारी दूसरे अवार्ड रिसिपियंट हैं, इनको भी झारखंड रत्न का अवार्ड मिला। क्यों मिला, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग राइटिंग एंड सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय एवं लेखन में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर मयंक मुरारी को झारखंड रत्न का। तो याद रखेंगे, इनका एक फेमस बुक है झारखंड के अनजाने खेल। कभी कभी क्या होता है, जो भी अवार्डी होते हैं उसके जितने भी सारे क्रॉनिकल्स हैं या आर्टिकल्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ डॉक्टर मयंक कुमारी को, जो झारखंड मुरारी है, इनका एक फेमस बुक है झारखंड के अनजाने खेल। अब भारत की आसमां तो किसानों में बहती है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो इसी भाषा को, अटल बिहारी वाजपेयी की इसी भाषा को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने तिमूर के कर्नाटका में एक सभा आयोजित की थी, जिसमें देश भर के 32 फार्मर्स को फेलिसिटेट किया गया था उनके उल्लेखनीय कार्य के, और इस अवार्ड का नाम था प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ द ईयर। पूरे देश के 32 किसानों को यह अवार्ड दिया गया था, उसमें झारखंड के भी दो किसान थे, एक का नाम था सोखेन हेम्ब्रम, और ये बता दूं ये सरायकेला खरसावां से बिलोंग करते हैं, ये किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं, और इनको एक सहभागी राइस, यानी जो ऐसे राइस जिसको कि मतलब कम वर्षा बारिश की जरूरत हो, उनके बारे में भी, उनके उत्पादन के बारे में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है, उसके लिए उल्लेखनीय उस जगह के मुखिया भी हैं। और क्रांति देवी जो कि गुमला से हैं, इन दोनों को प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अब नाट्य रत्न अवार्ड, नाट्य रत्न अवार्ड मिला है प्रोफेसर अजय कुमार मलकानी को मिला है। ये कौन है, तो रांची के एक एनजीओ चलता है, इसका नाम है युवा रंगमंच, तो बहुत ही फेमस नाट्यकर्मी है, उसी के ये चेयरमैन है, और ये अवार्ड इन्हें गिरिडीह कला संगम और गिरिडीह कला मंच के द्वारा दिया गया था। कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं बेस्ड ऑन दैट। विनर ऑफ मिस इंडिया यूनाइटेड नेशंस 2020, मिस इंडिया यूनाइटेड नेशन की विनर कौन थी, तो आपको पता है एंजेला मेरीना मिर्की थी। Which of the following has been confirmed with the National Gori Award? इनमें से किन है, मैं क्वेश्चन का हिंदी में अनुवाद करूंगा ताकि दोनों भाषाओं के लिए अच्छा हो। राष्ट्र महिमा सम्मान इनमें से किन्हें दिया गया, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रभाकर तिर्क को दिया गया है उल्लेखनीय कार्य के लिए सामाजिक सेवा में, राजनीति में। चूज द करेक्ट रेसिपियंट ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ द ईयर, इनमें से कौन है जिनको प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो सोखेन एम्ब्रम भी हैं सरायकेला खरसावां से, क्रांति देवी भी हैं गुमला से। राहुल सिंह ऑफ द झारखंड, झारखंड के जो राहुल सिंह है, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, क्रिटिक ऑथर मैंने बताया था, ये यहाँ के युवा आलोचक हैं। फरजाना खान जिन्होंने झारखंड रत्न अवार्ड जीता हाल ही में, वो किस खेल से संबंधित है, हॉकी से नहीं, बैडमिंटन नो, ये लॉन बॉल से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज बीन गिवन टू डॉक्टर आलोक सहाय, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल टेसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक सहाय को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो इंडियन एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है और लीडिंग एजुकेशनिस्ट अवार्ड दिया गया, ये ऑप्शन करेक्ट है, बोथ अवार्ड हैज बीन कंफर्मड ऑन हिम। द न्यूली इलेक्टेड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, नव निर्युक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि ये राहुल पुरवार है। हु अमंग दिस हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, इनमें से किनको कोल इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया, तो ये भी मैंने आपको बताया है पहले में, ये प्रमोद अग्रवाल है। तो ये सब क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, क्योंकि आपने मेरा लेक्चर सुन रखा है, आपके रिवीजन के लिए मैं थ्योरी और ये एमसीक्यू दोनों साथ में लाया हूँ। प्रीति प्रिया मरांडी, हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड इन राज्यसभा,
इनको राज्यसभा में सेक्रेटेड एज ए संथाली इंटरप्रेटर, संथाली अनुवादक के रूप में ज्वाइनिंग कराई गई है। ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ, सी बिलोंग्स टू रांची। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं फरवरी का करंट अफेयर लाऊंगा, फरवरी का पार्ट टू लाऊंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी। मैं बता दूं, मैंने पूरे 3 दिन ये समय इसलिए लगा कि मैं पूरे 30 दिनों का डिफरेंट डिफरेंट हिंदी पेपर और जितने भी पेपर अवेलेबल वो पढ़ा, फिर उसका ट्रांसलेट किया आप सभी के लिए, और दोनों भाषाओं में ये लिखा ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो जाए। सो आई एम रियली वर्किंग टूथ एंड नेल टू कम अप विद दिस वीडियो ओवर एंड ओवर अगेन फॉर यू। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड प्लीज अप्रिशिएट माई हार्ड वर्क by giving your leaving your comment in the comment box, and so that I can improve further in the forthcoming video. That's all about the today's classes. Stay home, stay safe. Bye bye.